आप सभी को शुभ जोहार। मैं राहुल गोंड LLB का छात्र हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ इस समय। जैसे कि मेरे साथी ने अभी जो समस्याएं बताए उसका निदान कैसे हो, उस चीजों को आप थोड़ा ध्यान दें। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जो आपने कहा कि हम जो समस्याएं ये इनकम से संबंधित है और हम कहीं जाते हैं तो फंस जाते हैं, हमारे आने जाने का व्यवस्था नहीं हो पाता है। टेक्निकल में आप आइए, आप अपने आप को डिजिटल इम्प्रूव करें और डिजिटल के हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करें। हर जगह हर वक्त कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपका अगर डिजिटल मैसेज अगर एक्टिव है, आप उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो साथ घड़ी में आपको मदद कर सकता है, मेरा मानना है। दूसरी बात, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी बहुत जल्द ही आपके ही ब्रांच का, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का एक ब्रांच खुलने वाला है। मैं उसके लिए काफी प्रयासरत हूँ, जैसे ही समय मिलेगा। मैं अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हो चुकी है, वो तत्काल वो हम ऐसे जीरो फैक्टो एक होता है, आज मेरे लाख के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त जीरो फैक्टो, वहाँ पे हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। असरत है कि जल्द ही आपका ब्रांच उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो विधि के मामले में 5वां रैंक है पूरे नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया रैंक उसका 5 है LLB के मामले में, और BA LLB के मामले में उसका 2रा रैंक। बहुत ही वहाँ का मतलब लोकेशन और वहाँ के अध्ययन काफी अच्छी है। तो यहाँ से मैं आप लोग से ही बहुत कुछ सीखता हूँ। आप लोग का जिस प्रकार का डेडिकेशन, हमारे भाई बहन यहाँ पर जिस प्रकार मिलकर काम करते हैं, मैं बहुत ताजुब होता हूँ। मैं खुद यूपी में जन्मा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा परिवार आप ही है, मेरा परिवार आप ही है। मैं यूपी में जब रहता था मैं अकेला महसूस करता था, लेकिन जब मैं आपके पास आता हूँ तो मैं खुशी के मारे एकदम गदगद हो जाता हूँ, खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो जाता। मेरे घर से जब मैं निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि तू वहाँ क्यों जाता है, मैं कहता हूँ असली परिवार मेरा वही है जो हर परिस्थितियों को मुझे बताता है, हर वो घड़ी में, मुश्किल घड़ी में कैसे हाथ से हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाता है। भाई ने कहा कि कुछ हमारे साथी उस चीज को बुराइयां कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो बुराई नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे दोस्त हमारे साथी अगर कुछ अलग करके अलग करना चाहते हैं तो उनको बुराई में मत कहिए, हम अगर उनको बुरा कहेंगे तो उनको ठेस पहुंचेगा, वो हमारे भाई परिवार से हैं। आप इन चीजों को, बात को समझिए, किसी भी चीज को, फैक्ट को आप नकारात्मक से मत जोड़िए, उसको पॉजिटिव में जोड़िए, सकारात्मक तौर से जोड़िए। हमारे भाई को दुख न होना चाहिए, हम चाहे वो बातों से हो, चाहे कार्यों से हो, चाहे लोभ से हो, आप उन चीजों से बचिए, हमारे भाई का कोई हित अहित न हो। अगर दूसरा ब्रांच बन रहा है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम एक ही सीमित क्यों रहे, हमारा प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इन सब चीजों को आप खत्म करिए, ये अच्छी बातें नहीं है। एक नहीं हजार खुलेंगे, लेकिन वो आप ही का नाम है, जहां भी जाएगा, जहां भी शाखा खुलेगा, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ही रहेगा। जो आपने दिया है वो कभी कोई चुका नहीं पाएगा, ये आपका ऋण है। मैं खुद इस चीज का रेडी हूँ, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं खुद राहुल गोंड आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। और इसी के साथ मैं संवैधानिक बातों पर, हाँ, मैं एक लाख का विद्यार्थी होने के नाते मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, समस्याएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डरना भी नहीं है, आपको धैर्य से काम लेकर उन विकट परिस्थितियों में आपको उन चीजों को जोड़ना और सोचना है कि हमें क्या करें, कैसे करें, तो आपको वो रास्ता संविधान बताएगा। उस संविधान में हर चीजें हैं,
संविधान में हर वो बातों को उल्लेख किया गया है जो आपको एक रास्ता बताएगा कि इन परिस्थितियों में आप कैसे इसका सामना करेंगे। तमाम आपके अगर मौलिक अधिकारों, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226, इसमें आपको आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे आपको आप इसमें वाद दाखिल कर सकते हैं। तो आप इन अधिकारों को कब जानेंगे? जब आप संविधान को जानेंगे। आप संविधान को समझिए, संविधान बहुत टफ है, लेकिन जब आप समझने लगेंगे, जिस दिन आप समझ जाएंगे, तो आप हर समस्या का आपके पास हल होगा। आप उस चीज को समझिए, कोई समस्या ऐसी नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। कितनी भी बड़ी कितनी भी बड़ी कठिनाइयां हो, लेकिन जब आप उसको धैर्य से, ठंडे दिमाग से सोचा, आपके सामने होगा वो हल। मैंने एक ही बात में कह दिया कि वो हल आपका संविधान है, वो आपका संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है। हर चीज, हर रोग, हर दवा, वो कहते हैं ना कि चाहे कैसा भी रोग है, अगर उसका इलाज नहीं मिल रहा है तो उसका दवा संविधान है। और मैं, जो हमारे छोटे भाई बंधु जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, आप शायद सर बता रहे हैं कि हम बराबर उस चीज को कोचिंग के माध्यम से और क्लास खुलवा कर करा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। हम उनको सेवा जुहार करते हैं और हम साहब से भी कहेंगे, साहब आप भी थोड़ा, जो भी हम लोग यूपी से जो भी हैं उनसे थोड़ा आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए आप कुछ कहें। और इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम करता हूँ। सेवा जुहार, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।